फतेहपुर के तहत पड़ती पंचायत सिद्धपुर घाट के अंतर्गत आते ग्रीन कैस्टल पब्लिक स्कूल में रविवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह प्रिंसिपल परमजीत मनकोटिया की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्थानीय समाज सेविका बबीता गुलेरिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए, तो वही दहेज लेना व देना पाप है इस पर नुक्कड़ नाटक कर भी आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने दहेज लेने व देने के दुष्परिणाम भी बताए। बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया कि दहेज के लोभ रखने वाले लोग कभी भी बहू को बेटी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं बच्चों ने प्रण लिया कि वो दहेज के खिलाफ खुलकर आवाज भी उठाएंगे व लोगों को भी जागरूक करेंगे। हाँ तो चल मनिया, हाँ इको इको थी है चल हाँ दे देना पगा, पर उन्हें दाज नहीं, दाज भी चाहिए था। हाँ जी हाँ नहीं देना दूना दाज, हाँ तो पहला मना किता हाँ अपनी कुड़ी खरी पढ़ाई लिखाई है, बीएड की थी, टैट भी क्लियर थी, था कहना कल्ले की नौकरी भी लगी आना दिनी। मम्मी जी क्यों या कुछ नहीं, बच्चा उन्हें गला दे कि साकी दाज भी चाहिए था। दाज नहीं तो कोई गाली नहीं हुई हारने सही ना। एक काम करो, सुना दिनी मैं डैडी तुसी करो थी ना ने गल मुनु मेरी मां ने के सदस्य भी हैं और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे और गांव के सब हमारे प्यारे भाई बहन, आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम यहां स्कूल में इकत्तर हुए हैं, बच्चों के जो उन्होंने पूरे साल में यहां कार्यक्रम किए हैं। सिर्फ हमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं है, उनकी हमने मॉरल वैल्यूज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उनसे करवाई हैं। मेरी जो अध्यापक हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है ताकि हम बच्चों को कोकलर एक्टिविटीज़ के अलावा हम बच्चों को जो उनकी एजुकेशन है उसमें बहुत अच्छा करवाएं। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले साल का हमारा जो रिज़ल्ट था वो 100% रहा। हमारे स्कूल में जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो बच्चे 8 थे, 8 में से 7 बच्चे मेरिट में आए हैं और आज हम उन बच्चों को मेरिट सर्टिफिकेट भी देंगे, जो कि मेरी अध्यापकों ने बहुत मेहनत की है और बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने भी ही उतनी मेहनत की है कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। लेकर फर्स्ट पोजीशन रही उसकी, आदित्य चौधरी फर्स्ट पोजीशन में है, आदित्य शर्मा जिसने 90.1% लिए हैं और वो सेकंड पोजीशन पर है, स्नेहा जिसने 86.8% मार्क्स लेकर थर्ड डिवीजन ली है। हमारे स्कूल में भाषण प्रतियोगिता, फाइल बनाने की प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, हिंदी नाटक प्रतियोगिता जो कि अभी आपने देखी है, खेलकूद प्रतियोगिता, हमारे यहाँ पर पहली बार स्कूल के दो स्टूडेंट 10th क्लास की तन्वी और 9th क्लास की खुशी ब्लॉक लेवल पर जो यूथ फेस्टिवल हुआ था उसमें गए थे और मुझे बता। एनस्टार न्यूज़ के लिए फतेहपुर से विजय समयाल की रिपोर्ट। तन्वी सेकंड प्राइज ब्लॉक लेवल पर लेकर आई है, उसकी सफलता की चाबी होती है। इसी तरह से